और नेपाल के साथ तो वैसे भी मामला बहुत अलग है, क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशन के तौर पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। चाहे प्राइम मिनिस्टर की जो इस टेन्योर की इकलौती विजिट है लुम्बिनी वाली, या पशुपति महादेव का मंदिर है, कल्चरल सिनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो मतलब मुझे लगता है कि सारे नेबर्स साथ, लेकिन नेपाल इज डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए जब हम वो 1950 की ट्रीटी के क्लॉज भी देखते हैं तो इतनी ओपननेस और कहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, बॉर्डर ओपन बॉर्डर, यस, आई मीन किसी और के साथ ओपन बॉर्डर नहीं। अगर आप पूरे दुनिया में देखें, दिस इटसेल्फ इज अ ग्रेट एक्ट ऑफ ट्रस्ट। फिर सर, व्हाट वेंट रॉन्ग? मेरे सामने ये सितंबर 2021, केपी शर्मा ओली पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी को बोलते हैं, जयशंकर ने मुझे और दूसरी पार्टियों को वार्निंग दी कि अगर इसी फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तो बुरा अंजाम होगा। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में लोग पॉलिटिक्स में लोग बहुत कुछ चीज़ें कहते हैं, और वो कभी कभी चीज़ें कहते हैं जब उनके लिए माने उसके उसका कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है या उनका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। मैं हमारा जो हमारी नीति जो थी शुरू से थी कि भाई आप लोग आपस में बैठ के सर्वसहमति बनाएं, आप माने विदाउट दिस जो उस समय जो गोलीबारी जो चल रही थी ये सब बंद करें। वो हमारे स्टेटमेंट में भी ये लाइन थी, करेक्ट, वी आर कंसर्न्ड दैट द सिचुएशन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया कंटिन्यूज टू बी वायलेंट, जिसमें आखिरी में हम बेस्ट विशेस दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन हम अपने कंसर्न रेज कर रहे हैं। ये तो आई थिंक क्या होता है कि पॉलिटिक्स में लोग इसको थोड़ा मिर्च मसाला के साथ अपना वो अपने उपयोग के लिए कह देते हैं, ठीक हो जाता है। सी यू, वन थिंग आई हैव आल्सो लर्नड इन 5 years इन पॉलिटिक्स, यू हैव टू बी मोर टॉलरेंट देन डिप्लोमेसी। जो है वो हर लाइन हर शब्द पे बहुत, यू हैव टू बी वेरी माने सटीक तरीके से, यू हैव टू बी करेक्ट। पॉलिटिक्स एक किस्म से इट्स अ मोर, देयर इज मोर लाइसेंस, यू नो। यस, सो राइट, क्योंकि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की आपकी प्रेस ब्रीफिंग देख रहे थे तो योर वर्ड्स पर लिमिटेड कैलिबर टारगेट स्पेसिफिक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, यू आर नॉट यूजिंग वर्ड्स जस्ट लाइक दैट बिकॉज यू आर नॉट इन पॉलिटिक्स बैक एट दैट टाइम। नेपाल पे इंडियन एक्सप्रेस में एक शुभजीत राय की रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया कि 7 changes इंडिया ने डिमांड किए। MEA ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, अखबार ने कहा हम अपनी रिपोर्ट पे कायम है। उसके कुछ दिनों बाद हम लोगों ने देखा 6 फरवरी 2016 को बीरगंज का ब्लॉकेट खत्म होता है, उसके पहले जो हम चाह रहे थे वो नेपाल को करना पड़ा लिमिटेड स्केल पे, उनको 4286 और 283 चेंज करने पड़े एंड देन वी वेलकम। देखिए ऐसा नहीं है, आई मीन कभी कभी अखबारों की आदत होती है दैट दे टेल यू दैट दे नो मोर अबाउट यू देन यू डू योरसेल्फ। ओके, तो बिकॉज़ एट टाइम्स गवर्नमेंट सब चीजें बताती भी नहीं, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव, सो फॉर देम टू से यू नो इट इज देयर राइट। बट आई विल ओनली से दिस, देखिए यू लुक एट आवर बिहेवियर आफ्टर दैट ऑल्सो एंड इवन टूडे, यू नो हम जो हैं पड़ोसियों को इतनी ही सलाह देते हैं कि भाई हम आपके यहाँ स्थिरता चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आर गुड विशेज आर विथ यू, अगर आपको कहीं मदद वदद चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, बट डोंट क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ तनाव हो, अस्थिरता हो, इट इम्पैक्ट्स अस। सो यू नो फॉर एनी बिग कंट्री यू डोंट वॉन्ट, अपने बॉर्डर पर कोई नहीं चाहता दैट देर इज टेंशन एंड देर इज ट्रबल, दिस इज कॉमन सेंस। यस, सो वी आर सी इवन टुडे, अब नेपाल में सरकार बदली, आई हैव सेंट अ लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन टू द न्यू फॉरेन मिनिस्टर। ये होता है पॉलिटिक्स में, होता है कोलिशन पॉलिटिक्स में और भी होता है। सो वी आर सरप्राइज्ड विद प्रचंड समरसॉल्ट? नहीं देखे, आई मीन सर, और इट वाज प्रेडिक्टेड? नहीं, हमें पता था कि आपस में कुछ देवर इश्यूज विच वर बिल्डिंग अप बिटवीन देम। मैं प्रचंड जी से मैं जनवरी में युगांडा में मिला था। ओके, सो वी हैड अ टॉक एट दैट टाइम, बट ही यू नो वी आर इन टच नेबरिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट एवरी डे। हमारे एम्बेसडर्स, यू नो आर बेस्ट एम्बेसडर्स आर इन द नेबरिंग कंट्रीज, वी मॉनिटर इट वेरी केयरफुली। मोस्ट ऑफ आर नेबर्स ऑल्सो
उनका वहाँ भी स्वाभाविक है कि वहाँ कुछ हो तो वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो वी हैव अ गुड फील ऑफ व्हाट वाज कमिंग। वो जब युगांडा में मिले उन्होंने कहा कि उनके ऊपर चीन से प्रेशर है गठबंधन तोड़ने की? ऐसा है कि जो उन्होंने अभी कहा उन्होंने कहा लेट इट रिमेन देयर। तो वेयर वी आर कंसर्न्ड अब सरकार बनी है, अब सरकार के साथ हम काम करेंगे। दिस इज नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। एक लास्ट सवाल सर, नेपाल से जुड़ा हुआ, बिफोर वी मूव टू अदर कंट्रीज, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं भारत नेपाल संबंधों की एज अ सिटीजन, हमें ये नहीं पता था कुछ बरस पहले तक कि भारत और नेपाल के बीच भी सीमा को लेकर इस तरह के विवाद हैं। काला पानी और लिपुलेख का जिक्र आने से पहले हमें चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन से लेकर नीचे तक हमें पता है। पाकिस्तान घुसा बैठा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमें पता है। बांग्लादेश को लेके, इन सब को लेके एक लगातार बातचीत चलती रहती है, सेटलमेंट होता रहता है। लिपुलेख को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बयानबाजी वहां अगेन लगातार हो रही है, मतलब वो अभी अटका हुआ है मामला या इस पर प्रोग्रेस हो रही है, कन्वर्सेशन चल रहे हैं? नहीं, उसमें क्या हुआ कि एक तो कुछ सीमा में देयर वाज अ डिफरेंस, हाँ, और ये मैंने ये छुपाने की बात नहीं है, इट वाज एक्चुअली बीइंग डिस्कस्ड। जो मुझे याद है देयर इज अ फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे इस पे डिस्कशन भी हो रही थी। जो डिस्कशन जो जारी था उस समय, नॉर्मली अगर आप में हम दोनों में कुछ विवाद है तो हम बैठ के बात कर रहे हैं, उस समय हम मेरी अपेक्षा नहीं होगी कि आप पब्लिक में ऐसा कुछ करेंगे जो इस विवाद को एक किस्म से भड़काएगा। हाँ, भड़काएगा। तो अब दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो लेट अस सी, अभी हम मई 2020 में ओली सरकार अपना नक्शा पब्लिश करती है जिसमें काला पानी, लिम्पिया दुरा, नहीं मुझे याद, लिपुलेख को वो अपने नक्शे में दिखाते हैं। नहीं, मुझे याद है। तो जैसे मैंने कहा, हमारी जो पड़ोसी जो हैं, वी हैव टू, मैंने उनके साथ हमें रिश्ते बना के भी रखने चाहिए। जहाँ फर्मनेस होना चाहिए फर्मनेस भी होगा, जहाँ बात करनी चाहिए बात भी करेंगे। तो जो पूरा जो टूल किट जो है, वो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज जो डिप्लोम कूटनीति में जो होता है, वी विल डू ऑल ऑफ दैट। तो वी विल सी हाउ दिस गोस। और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि नेपाल की ऊर्जा जरूरतों को लेकर चीन पर निर्भरता कम हो। नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा नेपाल कैन बिकम अ बिग एनर्जी एक्सपोर्टर। माने वो जमाना जब नेपाल दूसरों पे निर्भर था वो बदल सकता है, क्योंकि नेपाल में इतनी बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जी, और भारत में मार्केट, और मार्केट मार्केट का वो अब माने हकीकत में वो देख रहे हैं कि एक्चुअली दे आर सेलिंग टुडे। तो अगर नेपाल में नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट होने की संभावना है, ये तो भारत में तो हो ही सकती है। हमने ये भी उनको ऑफर किया है कि हम अगर वो बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उसमें भी हम उनकी मदद करेंगे। तो देखिए, नेबरहुड पड़ोस को हमें साथ ले जाना है, इसको मैनेज करना है, वहाँ राजनीति होगी, उसको हमें संभालना है। इट हैज़ टू बी, मैं इस पर रोज पब्लिक कमेंट्री नहीं दे सकता। कभी कभी मुझे ऐसी सिचुएशन आएंगी, आई विल से ओके, इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, देन आई विल डील विथ इट।